वेलकम दोस्तों। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। तो क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या अनाउंसमेंट है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और देखिए जो भी आधार कार्ड पे यहाँ पे दोस्तों बड़ी योजना लगाई गई है, बड़ी योजना जो है स्टार्ट की गई है, सारी जानकारी हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको, और बहुत ही आसान भाषा में, और दोस्तों बहुत ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप यहाँ से 10 लाख रुपए की दोस्तों सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों यहाँ मदद ले सकते हैं। ये 10 लाख रुपए सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे और इसमें कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बता दें दोस्तों इस पर कोई आपको ब्याज नहीं देना होगा, ये दोस्तों 5 साल में आपको वापस करने हैं बिना ब्याज के, ठीक है। तो देखिए जो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट है पूरी जानकारी हम इस कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। लेकिन आपको क्या करना है, जरा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेप यहाँ पे लेने से चूक जाओगे और दोस्तों आप योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाओगे। सेकंड योजना जो है दोस्तों आपकी एक परिवार में एक नौकरी योजना, इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हो, कहाँ पे आवेदन कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है दोस्तों कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार में एक नौकरी योजना दोस्तों चलाई है, इससे क्या होगा कि पूरा देश दोस्तों सशक्त होगा, विकसित होगा और देखिए घर घर में खुशहाली आएगी। जिस तरह से उन्होंने देखिए 11 करोड़ आवास बांटे थे, जो दोस्तों जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको घर दिए गए थे, फिर भी काफ़ी लोग वंचित रह गए, तो देखिए आवास भी स्टार्ट करेंगे। और देखिए शौचालय बनवाए थे और यहाँ पर 9 करोड़ सिलेंडर बांटे थे। तो दोस्तों जैसे कि वो गरीब परिवारों को ध्यान में रख के चल रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से देखिए उन्होंने यहाँ पे एक योजना और लॉन्च की है, एक परिवार में एक नौकरी योजना। तो देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, कंप्लीट जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए योजनाओं को वन बाई वन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप दोस्तों अपने आधार कार्ड मात्र पर 10 लाख रुपये की सहायता कैसे ले सकते हो, और वो भी सीधे अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ कागजी प्रक्रिया की बात करेंगे और फिर दोस्तों वहाँ पे हम बात करेंगे कि आपकी प्रक्रिया रहेगी कहाँ कहाँ पे आपको आवेदन करना है, कहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करना है जाके, तो ये कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आधार कार्ड पर जो 10 लाख रुपये मिल रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड ही है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। हाँ वो बात अलग है कि यदि आप जल्दी से जल्दी आधार कार्ड बनवा लेते हो तो आप इस योजना में लाभ लेने के हकदार हो जाओगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में देखिए आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चल जाएगा। अगर आप पढ़ते नहीं हो, कुछ काम करते हो, तो देखिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, इनमें से एक ही होना चाहिए, वही आपका काम वोटर आईडी के तौर पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो वोटर कार्ड हो गया, दूसरा दोस्तों आधार कार्ड हो गया, इसके बाद में देखिए आपके पास पैन कार्ड और होना चाहिए। और दोस्तों यह पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके किसी सरकारी बैंक में खाता हो और उस सरकारी बैंक के खाते से जो है ये अटैच होने चाहिए, ठीक है। इतने काम करने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो आपको बनवा लेने हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास देखिए क्या होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। इस योजना में लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र, बता दें यहाँ पर देखिए ये जो योजना चलाई गई है, जिन लोगों की आमदनी, जिन लोगों की इनकम 1 साल में 3 लाख रुपए तक है उनके लिए यह योजना अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़पति अरबपतियों के लिए योजना चलाई गई है दोस्तों, ये मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देखिए यदि आपकी फैमिली इनकम जो है 3 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। या 3 लाख रुपए से कम है, 10,000, 20,000 या बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको इस योजना का लाभ सबसे पहले मिलेगा। अब देखिए देन दोस्तों लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है जो आपको लास्ट में बनवा लेना है वो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, जो भी आपको काम, जो भी अपना रोजगार स्टार्ट करना है उसका दोस्तों एक प्रारूप बनवा लेना है, ठीक है। प्रारूप का मतलब जिसमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो या किसी लॉयर से, किसी वकील से आप बनवा सकते हो, यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप इसे खुद भी बना सकते हो, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद दोस्तों एक फाइल क्रिएट कर लेनी है जिसमें आपको अपने
दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा लेने हैं। दोस्तों फाइल क्रिएट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी नज़दीकी आपके जो नज़दीकी बैंक है दोस्तों वहाँ पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपको बोलना है कि आपको प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत दोस्तों आपको 10 लाख रुपये की मदद, आपको 10 लाख रुपये का लोन चाहिए, वो भी बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के जो मिल रहा है वो वाला। तो दोस्तों वहाँ पर वो आपका लोन सेंक्शन कर देंगे। यदि वो आपका लोन सेंक्शन नहीं करते या कोई प्रॉब्लम करते हैं तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें और आपको यहाँ पे योजनाओं का लाभ दिलवा सकें सबसे पहले। और दोस्तों हम यहाँ पे एक तरकीब, एक योजना और बताएंगे आपको, जिससे कि उनको आपका लोन सेंक्शन करना ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, आपको प्रॉब्लम है क्या, जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ाएं। देन दोस्तों उसके बाद में देखिए वीडियो को लाइक करके अपनी ये सहमति दें और हमें ये अनुमति दें कि हमें यह योजना पसंद है इसलिए लाइक करना है। दोस्तों लाइक करने का मतलब यही होता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, तो योजना पसंद है तो लाइक करें, जिससे कि हमें अनुमति मिल जाए कि आपको यह योजना पसंद है, आप इसको चाह रहे हैं, इसमें लाभ लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों हम आपकी जानकारी, आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें। देखिए लाखों लोगों को हमने यहाँ से फायदा दिलवाया है, अब जिन लोगों को फायदा नहीं लेना है या जिन लोगों को बिलीव नहीं है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है नीचे कमेंट करने का, वीडियो को लाइक करने का, तो उनके लिए तो प्रधानमंत्री जी देखिए आपके घर आके नहीं देंगे। तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अंगूठे से दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, उसके बाद में यदि वो बैंक वाले आपका लोन सेंक्शन नहीं कर रहे हैं, आपका लोन पास नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बहाने लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उनसे सीधे बोल देना है कि सर आप हमें जो है लिख के दे दो अपने किसी भी नोट पैड पर, ठीक है, लिख के दे दो कि आप लोन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि उनको आपका लोन करना ही पड़ेगा 110%, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत सिंपल सा, एक परिवार में एक नौकरी योजना की बात करेंगे हम। देखिए जिनको भी यहाँ 10 लाख रुपये वाला लोन चाहिए, काफ़ी लोगों को हम दिलवा चुके हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करके परमिशन दें। अब देखिए एक परिवार में एक नौकरी योजना के दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ये चीज़ भी हम यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों एक परिवार में एक नौकरी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपके घर में कोई भी व्यक्ति, आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी माताजी, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ या आपका कोई भी रिलेटिव जो आपकी अपनी फैमिली का है दोस्तों, वह किसी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स आते हैं, तो दोस्तों जितने भी लोग आपके आधार कार्ड, सॉरी जितने भी लोग आपके राशन कार्ड में हैं, तो दोस्तों जो राशन कार्ड में जितने भी नाम लिखे हैं वह सभी आपके फैमिली के मेंबर ही माने जाएंगे। मान लीजिए यदि आप अपने पिताजी से अलग हो जाते हैं, भाई से अलग हो जाते हैं, तो फिर जो आपका नया राशन कार्ड बनेगा तो वही आपकी फैमिली मानी जाएगी, फिर पिताजी से भाई से कोई मतलब नहीं रहने वाला यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, देन उसके बाद में देखिए राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड से ये पता पड़ेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और पहले से कोई सरकारी नौकरी का जो है लाभ तो नहीं ले रहा है। तो यदि आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आपकी फैमिली के पास नहीं है, तो यहाँ आसान से दोस्तों स्टेप्स बता रहे हैं, उनको फॉलो करिए। देखिए उसके बाद में आधार कार्ड और राशन कार्ड के बाद में दोस्तों आपके पास में देखिए वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो वही चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, स्कूल का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर भी बनवाना है, लेकिन यहाँ पर 3 लाख रुपये का नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कम बनवाना है, कम से कम नहीं तो 50 और 52 हज़ार के समथिंग होना चाहिए, जिससे कि आपको योजना का लाभ मिले सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपने जो भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, उन डॉक्यूमेंट्स के दोस्तों फोटो यहाँ पे जो है वो करा देते हैं, स्कैन करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इतनी चीज़ें स्कैन कराने के बाद आपको जाना है अपने किसी नज़दीकी CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र पर दोस्तों, वहाँ पर ये चीज़ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आपको आवेदन कर देना है प्रधानमंत्री एक परिवार एक नौकरी योजना में, जिससे कि दोस्तों आपको जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अब देखिए जिनको भी एक परिवार में एक नौकरी योजना का लाभ चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएं दोस्तों और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी पढ़ाई लिखाई हमें ज़रूर दें एक परिवार में एक नौकरी योजना के लिए। उसके बाद में देखिए आपको क्या कर देना है, यदि आपको किसी भी स्कूटी में दोस्तों लाभ चाहिए, जैसे महिलाओं को स्कूटी मिल रही है, काफ़ी महिलाओं को स्कूटी
मिल चुकी हैं। आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है, या आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, जो पहले आपने जो नाम दिया था उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो दोस्तों फिर से आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम दें किसी भी योजना के लिए जो चल रही है, और उस योजना का नाम बताएं कि आपको इस योजना में लाभ चाहिए, और वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए यही प्रक्रिया है, एक परिवार में एक नौकरी योजना, आधार कार्ड पर 10 लाख मिल रहे हैं दोस्तों, नई स्कूटी मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो गया 8वीं से स्टार्ट लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक, ठीक है। तो यहाँ पे 3500 से 6000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। तो आप किसी भी योजना में लाभ चाहिए दोस्तों, हम आपको लाभ दिलवाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपकी योजना जो भी लेना चाहते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके परमिशन दें। अब देखिए लाइक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना है, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बताइए, हम दोस्तों प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे आपकी नॉलेज को। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और एक चीज़ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट योजना के साथ, किसी अच्छी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।